हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत टाइम बाद मैं वही थीम्स के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूं और सभी के सभी थीम्स बहुत ही कमाल के होने वाले हैं। 3 मिनिमल थीम्स हैं और इनमें जो लॉक स्क्रीन्स देखने को मिलते हैं बहुत ही स्पेशल हैं और बहुत सारी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी यहां पर देखने को मिल जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो फर्स्ट थीम है हमारे लिस्ट में डायमेंशन आईजी यूआई 3 बाय डिजाइनर इजन। थीम की साइज है 15.7 एमबी। होम स्क्रीन आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। एक ब्यूटीफुल एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर है और विजेट में टाइम डेट और वेदर इन्फॉर्मेशन सब कुछ है। और भाई आइकॉन्स, मुझे इसके आइकॉन सबसे ज़्यादा पसंद आए, क्या ब्यूटीफुल आइकॉन्स हैं। सिस्टम यूआई की बात करें तो सेटिंग्स के अंदर बैकग्राउंड आप देख सकते हो चेंज हुआ है और आइकॉन्स भी। और यहाँ पर आप सर्च बार देखो, ये भी बहुत ही कूल लगता है। मेरे पास है पोको F4 जो कि एंड्रॉयड 12 पर रन करता है। तो गूगल फोन ऐप, मैसेजिंग ऐप, गूगल कीबोर्ड सभी में वॉलपेपर की कलर के अकॉर्डिंग कलर स्कीम देखने को मिलता है जो कि होल यूआई में एक बेटर एक्सपीरियंस देता है। तो अगर आपका फोन भी एंड्रॉयड 12 पर है तो इन्जॉय MIUI थीम्स। लॉक स्क्रीन की बात करें तो वेदर के अकॉर्डिंग एनिमेशन देखने को मिलता है और विजेट बॉटम साइड में देखने को मिलता है जिसे आप स्वाइप डाउन करके फोन को अनलॉक भी कर पाओगे। तो यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन है ये बहुत ही स्पेशल देखने को मिल जाता है। बस इतना ही नहीं, इसमें एक चार्जिंग एनिमेशन भी है। जब भी आप चार्जर कनेक्ट करोगे तो कुछ इस टाइप का एक एनिमेशन देखने को मिलेगा। ये जो फर्स्ट थीम है इसमें अगर हम ओल्ड कंट्रोल पैनल को इनेबल करते हैं तो यहाँ पर एक डिफरेंट स्टाइल नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलता है। यहाँ पर जो ब्राइटनेस स्लाइडर है इसका डिजाइन मुझे उतना पसंद नहीं आया तो मैं न्यू स्टाइल नोटिफिकेशन पैनल को यूज करता हूँ। सेकेंड थीम है सिंपल कलर ब्लॉक बाई माइलिप 7MB का ये थीम है और इसमें भी एक एनिमेटेड लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है एक ब्यूटीफुल कोटेशन के साथ। और ये जो विजेट है इसकी स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। टोटल 3 विजेट डिजाइन्स दी गई है यहाँ पर जो कि बहुत ही मिनिमल और ब्यूटीफुल लुक देते हैं लॉक स्क्रीन को और तीनों ही बहुत ही कूल लगते हैं। साथ में बैकग्राउंड में जो कलर ब्लॉक्स हैं इन्हें भी आप चेंज कर सकते हो तो है ना एक कूल लॉक स्क्रीन। और यहाँ पर जो बैटरी लेवल विजेट देखने को मिल रहा है इसे आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। होम स्क्रीन में भी एक सिंपल कलर ब्लॉक वॉलपेपर है एक मिनिमल क्लॉक विजेट के साथ। आइकॉन्स भी यहाँ पर स्मॉल हैं जो कि एक क्लीन मिनिमल लुक प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर जो बैटरी आइकॉन है ये भी स्टेटस बार में चेंज हुआ है, कलर पैटर्न में शो होता है यहाँ पर बैटरी लेवल। इस थीम में आप नोटिफिकेशन पैनल पुल करो या फिर सेटिंग्स को ओपन करो, बैकग्राउंड में थीम का वॉलपेपर ही देखने को मिलता है। और जैसे कि मैंने बताया था, आपका फोन अगर एंड्रॉइड 12 पर रन कर रहा है तो गूगल एप्स में भी वॉलपेपर का कलर पैटर्न शो होगा। नंबर 3 पर एक iOS इंस्पायर्ड थीम है विद ए ब्यूटीफुल टच ऑफ नेचर। लॉक स्क्रीन में एक ब्यूटीफुल लीफ वॉलपेपर देखने को मिलता है iOS स्टाइल विजेट्स के साथ। और विजेट्स पर टैप करके आप इन्हें एक्सटेंड भी कर सकते हो। और हाँ, iOS इंस्पायर्ड थीम है तो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर भी मिल जाता है। थीम का नाम है नेचर iOS बाय रोहित। 19.8 MB का ये थीम है। होम स्क्रीन में भी सेम वॉलपेपर है और यहाँ पर 2 विजेट्स हैं बोथ टाइम और बैटरी के लिए। एक्चुअली में एक ही विजेट है, 2 विजेट्स का डिजाइन बना हुआ है। और यहाँ पर थीम के आइकॉन स्क्वेरी सेम है जैसे iOS में होता है। और यहाँ पर जो कंट्रोल पैनल है इसमें क्विक टॉगल्स की आइकॉन्स भी चेंज हुए हैं। सेटिंग्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर सिंपल व्हाइट बैकग्राउंड देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है बट यहाँ पर आइकॉन चेंज हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 3 MIUI थीम्स जिन्हें आप ट्राई कर सकते हो। इनमें से कौन सा थीम आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। दिस इज अंशुमान साइनिंग आउट।